हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर वॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने विंडोज़ 11 की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करेंगे। अगर आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में स्लो चल रहा है तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जो है आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको सबसे पहले टाइप करना है msconfig और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप सभी के सामने विंडो ओपन हो जाएगी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे आपको जो है बूट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडवांस ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ प्रोसेसर मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, मेरे केस में 4 है, आपके केस में ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। मैक्सिमम मेमोरी को सिलेक्ट कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद जो है आपको यहाँ पे स्टार्टअप और सर्विसेज का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, तो आपको सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे जो है आने के बाद आपको हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पे चेक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर की जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज हैं वो सारी की सारी हाइड हो जाएंगी और जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं ड्राइवर्स छोड़ के उनको आपको यहाँ से अनचेक कर देना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ड्राइवर्स को आपको अनचेक नहीं करना है। यहाँ से अप्लाई कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके कंप्यूटर में पॉपअप शो होगा, यहाँ पे आपको रीस्टार्ट और एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपको जो है एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। अब आपको सर्च करना है सर्च बार में आके टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सभी जानते ही हैं। सिंपली आपको टास्क मैनेजर ऊपर सर्च कीजिए, ये टूल आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। और ये जैसे ही आपके सामने ओपन होगा आपको यहाँ पे स्टार्टअप पे क्लिक करना है। स्टार्टअप में आने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है शो होगी, मेरे केस में शायद कम हो सकती है और आपके केस में ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, जितनी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है उनको आप इनेबल रखिएगा, बाकी जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं सबको डिसेबल कर दीजिएगा ड्राइवर्स को छोड़ के। जैसे एनवीडिया के ड्राइवर हो गए या इंटेल ग्राफिक्स के ड्राइवर हो गए, इन सब को छोड़ के जो है आपको सभी को यहाँ से डिसेबल कर देना है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है बूटअप में भी जो है फ़र्क जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली रन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है टेम्प, TEMP। जैसे आप टेम्प पे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सामने फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल ए करना है और सभी को आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे इसको चेक कर दीजिए और यहाँ पे स्किप कर दीजिए, इसको भी आप स्किप कर दीजिए, जितनी फाइल्स स्किप होती है सबको कर दीजिए, जो बच जाएगी उसको आप रहन दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से रन में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रीफेच, PREFETCH। जैसे आप प्रीफेच टाइप करेंगे आप इस फोल्डर में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर कंट्रोल ए करना है और सेम प्रोसेस करना है, सभी को डिलीट कर देना है। जितनी फाइल्स डिलीट होती हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए, अगर कुछ रह जाती हैं तो उसको आप यहाँ पे चेक करके इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये विंडो को क्लोज कर देना है, फिर से आपको दोबारा से रन में आना है और रन में इस बार आपको परसेंटेज टेम्प, फिर दोबारा परसेंटेज कर देना है, ठीक है, और इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आप इस फोल्डर में आ जाएंगे, आपको यहाँ से भी टेम्प्रेरी फाइल्स को सभी को फ़िलहाल आपको डिलीट कर देना है, जितनी डिलीट होती है डिलीट कर दीजिए, जो बच जाएंगी उसको आप रहन दीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन आ जाएगा इसको स्किप करने का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप सिंपली इसको स्किप कर दीजिए, तो ये सारी फाइल्स जो है कुछ रह जाएंगी इसके अंदर। अब आपको जो फाइनल स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पे एक वर्चुअल रैम क्रिएट करनी है, तो सिंपली आपको सर्च करना है यहाँ पे सर्च बार में आके व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स करके, तो देखिए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ये, आपको इसको सिंपली ओपन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ की एक विंडो ओपन हो गई है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एडवांस टैब में आना है, देखिए एडवांस है, परफॉर्मेंस की सेटिंग में आना है, ये देखिए सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एडवांस में आना है, देखिए विजुअल इफेक्ट्स यहाँ पे एडवांस, एडवांस पे क्लिक कर देना है। वर्चुअल मेमोरी का आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या करना है आपको चेंज करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रहता है, इसको यहाँ से आपको अनचेक कर देना है और यहाँ से आपको कस्टम पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं अपने केस में सी ड्राइव को कर रहा हूँ, आप चाहे तो अपने केस में किसी और ड्राइव को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस है तो इसलिए मैं यहाँ पे सी ड्राइव का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कस्टम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो है मैं फिलहाल 2GB का यहाँ पे 2024 MB कर देता हूँ और 10GB यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेट कर देता हूँ, तो 10GB 1024GB 24MB यहाँ पे जो है कर देता हूँ, उसको सेट कर देता हूँ। आपको सेट कर देना है, तो देखिए यहाँ पे सेट हो गया, सिंपली ओके पे क्लिक करना है, रीस्टार्ट के लिए बोलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे ओके कर दीजिए, ओके पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे अप्लाई, फिर ओके, फिर यहाँ से ओके, ठीक है, ये पूरा स्टेप करना है। तो ये देखिए
पॉपअप ओपन होगा यहाँ पे आपको विंडो का। यहाँ पे आपको सिंपली जो है रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। इससे आपका कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट होकर दोबारा ऑन हो जाएगा और परफॉर्मेंस जो है पहले के मुकाबले आप खुद देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिलेगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मेरा यूजर नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। और आप सभी अगर मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसे भी कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।